टॉक शो, नायक बना खलनायक। चुनाव शुरू होने से ठीक पहले ही आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ चुनाव प्रचार शुरू कर दिया था। गडकरी से लेकर मोदी तक और राहुल गांधी से लेकर मनमोहन सिंह तक उन्होंने किसी को भी बेईमान कहने में परहेज नहीं किया। मात्र 5 महीने पहले जिस शख्स और पार्टी को दिल्ली की जनता ने सर आंखों पर बिठाया था, वो आज लोगों की नजर से उतर चुका है। अपने आप को ईमानदार कहते कहते ना थकने वाले केजरीवाल लोकसभा चुनाव में खुद अपनी सीट निकालने में भी कामयाब नहीं रहे, तो वहीं जिस दिल्ली के दम पर वो देश जीतने निकले थे, उसी दिल्ली ने उनकी पार्टी को नमस्ते बोल दिया। क्यों मिली केजरीवाल को हार? पहली वजह, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर दिल्ली के लोगों ने भरोसा किया था, लेकिन जिस कांग्रेस पार्टी को वो बेईमानों और भ्रष्टाचारों का अड्डा बताकर गरियाते फिर रहे थे, उन्हीं के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बना ली। दिल्ली की जनता को ये बात बेहद नागवार गुजरी। दूसरी वजह, अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि अगर वो दिल्ली के सीएम बने तो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को जेल भिजवा कर रहेंगे, लेकिन 49 दिनों की सरकार में वो शीला दीक्षित के खिलाफ एक सबूत तक जुटाने में नाकाम रहे, जबकि सीएम बनने से पहले वो जनता के सामने दावा करते थे कि उनके पास बेईमानों की पूरी लिस्ट और सबूत तैयार है। तीसरी वजह, अरविंद और उनकी पार्टी दोनों में संगठन की कमी देखी गई। पार्टी से टूटकर जो भी बाहर निकला उसी ने अरविंद केजरीवाल पर हिटलर होने के आरोप लगाए, और आज भी उस पर पार्टी में मनमानी के आरोपों का सिलसिला जारी है। चौथी वजह, अरविंद केजरीवाल ने अपनी पूरी चुनाव रैली के दौरान बीजेपी पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनके पास सबूत है बीजेपी वालों के खिलाफ, लेकिन वो कोर्ट ना जाकर प्रेस वार्ता करते रहे और बाद में मीडिया पर ही बिकने का आरोप लगा दिया। पांचवी वजह, केजरीवाल की हार की सबसे बड़ी वजह बनारस से उनका मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना रहा। समीक्षकों की नजर में ये उनकी तरफ से पॉलिटिकल सुसाइड साबित हुआ। छठी वजह, लोकपाल मुद्दे पर दिल्ली के सीएम पद को ठोकर मारना और बार बार अपने बयान से पलट जाना उनके हार के बड़े कारणों में से एक है। केजरीवाल ने मानी हार। चुनावी नतीजे आने के बाद केजरीवाल ने माना कि दिल्ली में लोकसभा चुनाव के नतीजे निराशाजनक हैं। उन्होंने कहा, हमारे पास ना पैसा था ना संसाधन, ये हमारा नहीं जनता का चुनाव है। हमने देश को सही मंच दिया है, लेकिन लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोच्च होता है, इसलिए हम अपनी हार स्वीकार करते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि क्या केजरीवाल और उनकी पार्टी का संघर्ष यूं ही खत्म हो जाएगा, और क्या अरविंद केजरीवाल के वो वादे और दावे भी खत्म हो जाएंगे जिनके बल पर वो सत्ता में आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, A to Z न्यूज़।